Hello students, welcome back to my channel. Previously we have covered different types of soil water, what are the soil moisture constants. Okay, so in those soil moisture constant section we have discussed that in saturation point the soil water potential is 0 bar and in fill capacity the water potential is minus 0.33 bar. So what is that water potential? In this particular lecture we will cover what is water potential, what is the difference between water potential and water tension, how water retain in the soil, what are the soil moisture characteristics curve, soil moisture characteristic curve, and what is hysteresis, right? So agar aap log hamare channel ko roz dekh rahe ho, agar aapko koi bhi video acha lagta hai to aap like kijiye, right? Apna friends aur junior ke sath share kijiye taki wo log bhi benefited ho. Aur agar aap you are new to this channel, then you just subscribe to this channel so that you will never miss a lecture I am uploading, right? So yeah, so without wasting any time, let's start with water potential. Soil water potential. अगर कोई भी चीज को आपको अच्छे से समझना है तो उसको ब्रेक करना आना चाहिए आपको, राइट? कोई भी चीज, कोई भी कॉम्प्लेक्स टर्म आप देख रहे हो या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देख रहे हो, आपको अच्छे से समझना है, उसके बारे में जानना है, राइट? आपको यू मस्ट हैव द एबिलिटी टू ब्रेक दैट वर्ड, ब्रेक दैट सेंटेंस, राइट? सो यहां पे हम लोग ब्रेक करेंगे सॉयल वाटर एंड पोटेंशियल. ओके, सो सॉयल क्या है? सॉयल इज ए थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर. इट हैज थ्री फेजेस. थ्री फेजेस वी हैव टॉक्ड अर्लियर ऑल्सो. सो व्हाट आर देम? सॉलिड सॉयल, सॉलिड सॉयल वाटर एंड सॉयल एयर. ओके, सॉयल का हो गया. देन वाटर, विदाउट वाटर वी कैंट लिव इन दिस अर्थ, राइट? अर्थ हैज द लाइफ बिकॉज ऑफ वाटर, राइट? सो वाटर क्या है? H2O. दिस इज सिंपली दो हाइड्रोजन एटम है एंड वन इज ऑक्सीजन. टू हाइड्रोजन एटम एंड अनदर इज ऑक्सीजन एटम. ऑक्सीजन हैज नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन हैज पॉजिटिव चार्ज एंड द बॉन्ड एंगल बिटवीन वाटर इज HOH बॉन्ड एंगल जो है वो 105 डिग्री है, राइट? तो वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यू नो दैट. ओके, सो व्हाट इज पोटेंशियल? पोटेंशियल यानी द कैपेसिटी टू डू वर्क. व्हाट इज पोटेंशियल? द कैपेसिटी टू डू वर्क. ओके, अगर मैं आपको सिंपली पूछूं कि आपका कैपेसिटी टू डू वर्क कब ज्यादा होता है, अगर मतलब आप खुल के कोई भी कुछ आप करना चाहते हो कर सकते हो, जब आप सिंगल होते हो या फिर आप अपना गर्लफ्रेंड के साथ होते हो या फिर आप अपना पेरेंट्स के साथ होते हो, ऑफ कोर्स आप जब सिंगल होते हो आपका कैपेसिटी टू डू वर्क उस टाइम अच्छा होता है, मतलब आपका आप जो भी मन में आए वो कर सकते हो, राइट? तो यहां पे वाटर का पोटेंशियल यानी वाटर का कैपेसिटी टू डू वर्क. वाटर का कैपेसिटी टू डू वर्क यानी वाटर क्या है उसका पोटेंशियल, मतलब कि वो कैसे बह सके, राइट? टू फ्लो. वाटर का पोटेंशियल मतलब क्या है? वाटर का जो कैपेसिटी है, वाटर का एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? टू फ्लो, राइट? सो टू फ्लो इज द कैपेसिटी ऑफ वाटर. ओके, सो वाटर का पोटेंशियल, जब भी आपको कोई भी चीज के साथ बाइंड होकर रहते हो, आप दिमाग से हो या फिर कोई भी थॉट्स आपका आ रहा है या फिर आप किसी के साथ बाइंड होकर रहते हो, तब आपका पोटेंशियल डिक्रीज होता है, वहां पे पोटेंशियल जो है डिक्रीज होता है, राइट? तो वाटर का जो कैपेसिटी टू डू वर्क है, जो कि पोटेंशियल बोलते हैं, इसका सिंबल है साई. ओके, वाटर पोटेंशियल का सिंबल है साई H2O. तो जो पोटेंशियल है जब वो बाइंड होकर रहता है सॉइल के साथ, जब बाइंड होकर रहता है तो वो नेगेटिव हो जाता है. तो प्योर वाटर का जो पोटेंशियल है, प्योर वाटर का जो पोटेंशियल है वो सबसे हाईएस्ट है. हाईएस्ट प्योर वाटर का जो पोटेंशियल है सबसे हाईएस्ट है, उसको बोलते हैं साई वाटर इज इक्वल टू जीरो. सो प्योर वाटर का पोटेंशियल सबसे हाई रहता है और उसका वैल्यू है जीरो. जब वाटर सॉइल में रहता है या फिर जब आप वाटर में सॉल्ट मिलाते हो, शुगर मिलाते हो, किसी भी सॉल्यूट के साथ जब वाटर मिलता है, वाटर प्लस एनी सॉल्यूट, ओके, तो उसका जो वाटर पोटेंशियल है वो डिक्रीज करता है, वो नेगेटिव होता है. क्यों? क्यों नेगेटिव? यानी वो बाइंड होके रहा और वाटर पोटेंशियल उसका कम होता रहा, तो वो नेगेटिव हो जाता है. वाटर पोटेंशियल उस केस में नेगेटिव हो जाएगा. क्यों नेगेटिव होगा आपको पता चला?
कि जब भी वाटर प्योर फॉर्म में रहता है उसका वाटर पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उसका जो पोटेंशियल टू डू वर्क यानी कैपेसिटी टू डू वर्क सबसे हाईएस्ट होता है वाटर का, राइट। और जब वो बाइंड फॉर्म में रहता है उसका पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव होता है यानी डिक्रीज होता है, राइट। तो ऑलवेज वाटर पोटेंशियल अगर कोई भी सॉल्यूशन में रहा या फिर सॉइल में रहा वहां पे नेगेटिव रहेगा। ओके, सो वाटर पोटेंशियल डिफरेंट, अगर आपको वाटर पोटेंशियल के बारे में डिटेल में जानना है कि वाटर पोटेंशियल क्या है, राइट, तो आपको उसको भी ब्रेक करना पड़ेगा। सो वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉइल, सॉइल वाटर पोटेंशियल इज अगेन वी कैन ब्रेक इट इनटू सॉइल मैट्रिक पोटेंशियल, सॉइल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल प्लस सॉइल ऑस्मोटिक और सॉल्यूट पोटेंशियल। ओके, व्हाट आर द वाटर पोटेंशियल, इफ वी ब्रेक वाटर पोटेंशियल तो हमको मिल जाएगा सॉइल मैट्रिक पोटेंशियल, सॉइल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सॉइल ऑस्मोटिक पोटेंशियल। अब देख लेते हैं ये सारे क्या है। ये तो हो गया वाटर पोटेंशियल जो कि प्योर वाटर में रहता है जीरो, एंड कोई भी अगर सॉल्यूट वहां पे ऐड होता है या फिर सॉइल में रहता है वाटर तो उसका वैल्यू होता है नेगेटिव, राइट। अब देखते हैं सॉइल मैट्रिक पोटेंशियल क्या है। सॉइल मैट्रिक पोटेंशियल यानी सॉइल में क्या रहता है, सॉइल में सॉइल सॉलिड भी रहता है, तो जब सॉइल सॉलिड में वाटर रहता है तो मैट्रिक्स के अंदर रहता है। मैट्रिक्स यानी सॉइल जो पार्टिकल्स है वो कैसे अरेंज होकर रहते हैं या फिर सॉइल कॉलोइड कैसा रहता है, राइट। तो वो एक मैट्रिक्स फॉर्मेशन करते हैं, जब सॉइल सॉलिड में वाटर रहता है तो एक मैट्रिक्स फॉर्म करता है, सॉइल जो पार्टिकल्स है वो एक मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं उसके अंदर जब वाटर रहता है, राइट। तो यहाँ पे वाटर का जो क्षमता है, जो पोटेंशियल है वो उसको बोलते हैं मैट्रिक पोटेंशियल, राइट। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यानी जब वाटर सॉइल में रहता है, ओके, तो ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या है, हमारा जो अर्थ है वो नीचे खींचता है ऑब्जेक्ट को, राइट। तो वाटर जो रहता है उसका कितना पोटेंशियल है टू मूव फ्रॉम दैट ग्रेविटी पुल, राइट। तो वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। आई होप आपको समझ में आ रहा है वाटर पोटेंशियल इन इन व्हिच एक्ट अपोजिट टू ग्रेविटी, ग्रेविटी फोर्स दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, राइट। सॉल्यूट पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या है। सॉइल में आपको पता है डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स रहता है, राइट। तो वो सारे मिनरल और सॉल्ट जब वाटर के साथ बाइंड होकर रहता है तब वाटर का पोटेंशियल जो रहता है उस केस में उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है। तो तीन टाइप का पोटेंशियल हम वाटर में यहाँ पे देखें, एक है मैट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉइल कॉलॉइड और ड्यू टू सॉइल सॉलिड, एक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सॉइल ग्रेविटी, एक है ऑस्मोटिक पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल ड्यू टू सॉइल सॉल्ट्स और मिनरल्स, राइट। तो ये तीनों टाइप का पोटेंशियल में से मैट्रिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल से जो मैट्रिक पोटेंशियल एंड जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल रहता है ये नेगेटिव रहता है, इसका जो पोटेंशियल रहता है यहाँ पे, और जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो रहता है एनर्जी, एनर्जी एनर्जी नेगेटिव रहता है मैट्रिक पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल का, देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो एनर्जी रहता है वो पॉजिटिव रहता है, राइट। अगर मान लीजिए सॉइल में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है दैट इज ग्रेटर देन सॉइल मैट्रिक पोटेंशियल एंड सॉइल ऑस्मोटिक पोटेंशियल कंबाइंडली, देन दैट वाटर विल परकोलेट डाउनवर्ड, दैट इज that water will percolate downward, water will percolate downward and this is known as gravitational water, this is known as gravitational water, okay। remember agar soil jo different types of potential hum study kiye usme se agar gravitational potential is greater than the combined potential of matrix and osmotic potential then that is that water will be percolate and that water will be called as gravitational water, right। lekin agar gravitational potential will be less than matrix potential and osmotic potential combined, then that water will remain in the soil, okay, that water will remain in the soil, soil micropores। So, हम क्या study किए कि water potential क्या है, पहले तो हम soil water potential को break किए, उसमें से soil क्या है, water क्या है and potential क्या है study किए, उसके बाद water potential का different, water potential क्यों negative होता है इसको भी मैं बताया आपको, और सॉइल वाटर में वाटर पोटेंशियल को हम ब्रेक किए फिर से मैट्रिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल से, देन हम स्टडी किए कैसे वाटर रहता है सॉइल में, राइट, आइदर इट विल परकोलेट और इट विल रिटेन इन द सॉइल बेस्ड ऑन दिस पोटेंशियल, राइट।
नाउ लेट्स सी व्हाट इज पोटेंशियल एंड व्हाट इज टेंशन। टेंशन क्या होता है? टेनासिटी ऑफ सॉइल वाटर टू रिटेन इन द सॉइल। ओके, टेनासिटी यानी फोर्स, टेंशन इज फोर्स, सो टेंशन विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। टेंशन और पोटेंशियल में, टेंशन और जो पोटेंशियल है वाटर पोटेंशियल, इनमें जो जो न्यूमेरिकल डिजिट रहेगा, यानी जब पोटेंशियल उस पोटेंशियल इन फील्ड कैपेसिटी -0.33 बार है, जो हम स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट? तो उस केस में टेंशन कितना रहेगा? टेंशन 0.33 बार रहेगा। टेंशन विल बी पॉजिटिव, पोटेंशियल विल बी नेगेटिव। एंड व्हाई नेगेटिव? बिकॉज पोटेंशियल, अगर आप किसी के साथ बाइंड होकर रहते हो तो आपका कम हो जाता है, घट जाता है, तो उस केस में नेगेटिव रहेगा। लेकिन टेंशन जो है ये फोर्स है, फोर्स कैसे नेगेटिव हो सकता है? देयर विल बी नो फोर्स विल बी नेगेटिव। ओके, सो फोर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट? टेंशन यानी आप सपोज आप अगर फील्ड कैपेसिटी में सॉइल में वाटर है, उसको आपको निकालने के लिए उस सॉइल वाटर को कितना टेंशन, कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, उसको बोलते हैं टेंशन। द फोर्स यू आर अप्लाइंग टू रिमूव दैट सॉइल वाटर एट एनी कंडीशन। ओके, सपोज दैट सॉइल वाटर इज इन परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, सपोज दैट सॉइल वाटर इज इन अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट, सो व्हाट इज द फोर्स यू आर अप्लाइंग टू रिमूव दैट सॉइल वाटर फ्रॉम द सॉइल मैट्रिक्स और सॉइल। ओके, सो दैट इज द टेंशन, दैट इज टेंशन। बट पोटेंशियल इज द फ्रॉम वाटर पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ वाटर टू डू वर्क, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ वाटर, देन वाटर का पोटेंशियल वहां पर नेगेटिव हो रहा है, लेकिन टेंशन हमको अप्लाई करना पड़ रहा है टू रिमूव दैट वाटर, दैट इज दैट विल बी पॉजिटिव। ओके, सो वी हैव सीन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल, डिफरेंट यू नो व्हाई पोटेंशियल इज नेगेटिव, एंड व्हाट इज टेंशन, एंड व्हाट इज वाटर टेंशन, एंड व्हाट इज वाटर यू नो पोटेंशियल, व्हाई वाटर पोटेंशियल इज नेगेटिव एंड व्हाई टेंशन इज पॉजिटिव। लेट्स टॉक अबाउट सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। ओके, सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, लेट्स टॉक अबाउट सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक कर्व, व्हाट इज दिस? अगर हम कोई भी सॉइल में टेंशन एंड जो वाटर कंटेंट है सॉइल का, उसको अगर ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करेंगे, जो कर्व आएगा हमारा ग्राफ का, उसको बोलेंगे सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। बिकॉज अ डिफरेंट पोटेंशियल और बिकॉज अ डिफरेंट टेंशन, यू कैन फाइंड डिफरेंट यू नो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सॉइल। ओके, डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर इन सॉइल। अगर टेंशन हम इंक्रीज कर रहे हैं, यानी हम अगर फील्ड कैपेसिटी से हम परमानेंट बिल्डिंग तक जा रहे हैं, वो वाटर पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज करेगा, सॉरी वाटर कंटेंट वो डिक्रीज करेगा, तो जो ग्राफ आएगा, यानी हम जितना पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं या फिर डिक्रीज कर रहे हैं या फिर टेंशन इंक्रीज कर रहे हैं, वाटर धीरे धीरे कम होता जाएगा सॉइल में। तो वो जो कितना एक्सटेंट में कम हो रहा है, या फिर कैसे, मतलब उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसे हो रहा है, मतलब कितना यूनिट इंक्रीज से, यानी टेंशन इंक्रीज से कितना यूनिट डिक्रीज हो रहा है वाटर सॉइल मॉइस्चर, वो जो ग्राफ हम अगर निकालेंगे उसको बोलेंगे सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। ओके, दैट कर्व दैट शोज, ओके, SMC सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। ओके, दैट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, दैट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट, सो इट इज द कर्व इफ वी फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन टेंशन, वाटर टेंशन एंड वाटर कंटेंट। ओके, सॉइल मॉइस्चर टेंशन एंड सॉइल वाटर कंटेंट, अगर हम इसके अंदर जो रिलेशनशिप, उसको बोलते हैं सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। अगर हम क्ले सॉइल के लिए देखेंगे, सपोज दिस इज वाटर कंटेंट एंड दिस इज टेंशन, अगर हम क्ले सॉइल में देखेंगे तो उसका कुछ इस टाइप का रहेगा। ओके, ओके, सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, दिस इज SMC कर्व। ओके, अगर हम लोमी सॉइल में देखेंगे, वाटर कंटेंट टेंशन, अगर हम लोमी सॉइल में देखेंगे तो उसका कुछ इस टाइप का रहेगा, राइट? अगर हम सैंडी सॉइल का देखेंगे,
वाटर कंटेंट एंड टेंशन, तो उसका कुछ इस टाइप का रहेगा, राइट। इससे आप क्या इंटरप्रेट करोगे, दिस इज फॉर क्ले सॉयल, दिस इज फॉर लोमी सॉयल, दिस इज फॉर सैंडी सॉयल, ओके। इससे हम क्या इंटरप्रेट करेंगे, इससे हम ये इंटरप्रेट करेंगे कि अगर हम टेंशन डिक्रीज कर रहे हैं या फिर अगर हम टेंशन इंक्रीज कर रहे हैं, राइट, अगर हम टेंशन इंक्रीज कर रहे हैं सॉइल में तो क्या होगा, जल्दी वाटर जो है लॉस नहीं होगा, ओके। टेंशन के साथ साथ जो वाटर कंटेंट है वो रैपिडली डिक्रीज नहीं होगा, राइट। लेकिन यहां पे यूनिफॉर्म सा कर्व आ रहा है इन लोमी सॉइल एंड सैंडी सॉइल में, आपका जो कर्व मिल रहा है एल सेप्ट कर्व मिल रहा है, ओके। एल सेप्ट यानी यहां पे अगर हम टेंशन इंक्रीज कर रहे हैं तो तुरंत, टेंशन अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो तुरंत जो वाटर कंटेंट है वो डिक्रीज हो जाएगा, राइट। अगर सैंडी सॉइल में आप एक फोर्स डाल रहे हो, अगर कम फोर्स भी डाल रहे हो तो वो जो वाटर है सैंडी सॉइल में, क्योंकि वहां पे जो कॉम्प्लेक्स है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, वो वाटर जो है वो इतना स्ट्रांगली बाइंड नहीं होता है सॉइल के साथ सैंडी सॉइल में, तो वहां पे अगर आप कम फोर्स भी अप्लाई करते हो तब वो वाटर जो है एक्सट्रैक्ट हो जाएगा फ्रॉम सॉइल, ओके। सो देयर द ग्राफ विल बी लाइक एल सेप, ओके। इसका मतलब है कि आप कम टेंशन भी अगर अप्लाई कर रहे हो उस केस में सैंडी सॉइल में, तब भी वाटर जो है इजिली ड्रेन आउट हो जाएगा। लेकिन क्ले सॉइल में क्या होता है, आप अगर टेंशन जो है अगर इंक्रीज करोगे तब भी आप सॉइल वाटर कंटेंट जो है इतना रैपिडली वो डिप्लीट नहीं होगा, राइट। सो दिस इज एसएमसी कर्व, दिस आर एसएमसी कर्व, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिस्टेरेसिस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिस्टेरेसिस, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिस्टेरेसिस, व्हाट इज हिस्टेरेसिस, हिस्टेरेसिस, व्हाट इज हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस जो कॉन्सेप्ट है ये बोलता है कि, हिस्टेरेसिस जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन सक्शन कर्व, डोंट वरी आई विल टेल यू व्हाट इज सक्शन कर्व एंड व्हाट इज डिसॉर्प्शन कर्व। दिस इज बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन सॉर्प्शन कर्व एंड डिसॉर्प्शन कर्व। सो व्हाट हैपेंस एट ए पर्टिकुलर टेंशन और पोटेंशियल, एट ए पर्टिकुलर टेंशन डिसॉर्प्शन कर्व कंटेन मोर वाटर देन सॉर्प्शन कर्व, ओके। सो हिस्टेरेसिस क्या बोलता है कि एट ए पर्टिकुलर पॉइंट और एट ए पर्टिकुलर पोटेंशियल और टेंशन डिसॉर्प्शन कर्व विल कंटेन मोर वाटर देन सॉर्प्शन कर्व। सो व्हाट इज डिसॉर्प्शन, सॉर्प्शन यानी अगर एक ड्राई सॉइल है उसमें हम वाटर ऐड कर रहे हैं, ड्राई सॉइल है उसमें वाटर हम धीरे धीरे ऐड करते जा रहे हैं, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा कुछ देर के बाद। ड्राई सॉइल में अगर हम थोड़ा थोड़ा वाटर करते ऐड करते जाएंगे तो उस केस में वो क्या होगा, धीरे धीरे वेट हो जाएगा, राइट। तो इसको बोलते हैं सॉर्प्शन, दिस प्रोसेस इज नोन एज सॉर्प्शन। देन डिसॉर्प्शन मींस एक इनिशियली वेट सॉइल उसमें से हम धीरे धीरे वाटर रिमूव कर रहे हैं तो वो बन जाएगा फिर ड्राई सॉइल कुछ देर बाद, राइट। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसॉर्प्शन, सो दिस इज सॉर्प्शन एंड दिस इज डिसॉर्प्शन। एंड अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे, राइट, एक ग्राफ है जहां पे, यहां पे सपोज टेंशन है, यहां पे सपोज वाटर कंटेंट है, ओके, वाटर कंटेंट है। तो अगर हम, हमारा जो डिसॉर्प्शन कर्व कैसा आएगा, लेट मी ड्रॉ फर्स्ट, ओके। सो दिस विल बी द कर्व, ओके। सो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हम वाटर रिमूव कर रहे हैं, राइट। दिस विल बी आवर डिसॉर्प्शन कर्व एंड दिस विल बी आवर सॉर्प्शन कर्व। यहां पे हम वाटर धीरे धीरे, यहां पे हम वाटर धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, आर करते जा रहे हैं। सो यहां पे देखोगे आप टेंशन डिक्रीज हो रहा है और वाटर कंटेंट हमारा इंक्रीज हो रहा है,
तो दिस इज नोन एज सबसम कर्व. सबसम यानी वाटर हम ऐड करते जा रहे हैं. तो और डिजर्प्शन यानी वाटर हम इनिशियली वेट सॉइल से वाटर डिक्रीज करते रहे. ओके करते जा रहे हैं एडिंग द टेंशन एडिंग द सक्शन रिक्वायर्ड सक्शन. सो दिस इज डिजर्प्शन कर्व एंड दिस इज सबसम कर्व. तो हिस्ट्री से जो प्रिंसिपल है वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि एट ए पर्टिकुलर, सपोज यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर टेंशन ले रहा हूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट में द डिजॉर्प्शन कर्व विल कंटेन मोर वाटर देन सब्सम्पशन कर्व. एट ए पर्टिकुलर पॉइंट द वाटर कंटेंट ऑफ डिजॉर्प्शन कर्व विल बी मोर देन वाटर कंटेंट ऑफ सब्सम्पशन कर्व. ओके सो दिस इज द फेनोमेना नोन एज हिस्टेरेसिस. दिस इज ऑल्सो नोन एज इंक बोतल इफेक्ट. And this hysteresis concept was proposed by scientist called Hens. Okay, scientist known as Hens, and this is also known as ink bottle effect. And this effect, hysteresis effect, tells us that at a particular tension, the desorption curve will contain more water than the sorption curve. So, students, in this particular lecture, we discussed about what is potential, what is tension, what are the different types of different fragments of water potential in soil. And why water potential is negative, then what are the soil moisture characteristics curve and what is hysteresis. So if you are liking our lectures, then you just give it a thumbs up, then share it among your friends and your juniors. And if you are new to our channel, then just subscribe to our channel and join our Telegram group also. There you can ask different doubts and you can ask for different lectures. And we are organized different quizzes also there, so you can attend them. So see you in the next lecture. Till then, bye bye, have a great day.